साइबर सिटी के सुभाष चौक से कैश वैन से लूटकर फरार हुए आरोपियों को काबू करने और लूटी गई रकम को बरामद करने वाली पुलिस टीम को गुरुग्राम की पुलिस आयुक्त द्वारा सम्मानित किया गया। आपको बता दें, सुभाष चौक के पास हुई कैश वैन डकैती मामले में वारदात को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को उप निरीक्षक गुणपाल प्रभारी अपराध शाखा सेक्टर 40 गुरुग्राम की टीम ने काबू करके लूटी गई 96 लाख की रकम में से 78 लाख रुपए और वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ियां और अन्य सामान को बरामद किया था। इस पर गुरुग्राम की पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन ने सब इंस्पेक्टर गुणपाल और उनकी टीम को प्रथम श्रेणी प्रशंसा पत्र और नगद इनाम देकर सम्मानित किया। आपको बता दें, 18 अप्रैल को एक कैश वैन से 46,32,000 रुपए की लूट की वारदात सामने आई थी। 4 से 5 हथियार बंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों ने कैश वैन के कर्मचारियों की आंखों में पहले मिर्ची पाउडर डाला, फिर हथियारों के बल पर पूरी वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद वारदात के सामने आने के कुछ ही घंटों में पुलिस की टीम ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। सदर पुलिस स्टेशन के इलाके में 96 लाख रुपए की जो डकैती हुई थी, उसको हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर गुणपाल के नेतृत्व में टीम ने एक बेहतरीन काम करते हुए उसको बहुत थोड़े समय में ट्रेस किया। उसमें मैक्सिमम 80 लाख के करीब रिकवरी की। उसमें जो शामिल आरोपी थे, 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीमती कला रामचंद्रन IPS ने उन सभी लोगों को सर्टिफिकेट, क्लास 1 सर्टिफिकेट देके और उनको सम्मानित किया, जिसके संबंध में हमें काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है। हमारे इस लेवल के ऑफिसर्स, उनको उन्होंने इस तरह के कार्य करने वाले लोगों का उत्साह बढ़ाया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और हम उम्मीद करते हैं हमारी जो क्राइम टीमें हैं वो आगे भविष्य में भी इस तरह के काम करते रहेंगे और ये सम्मान प्राप्त करते रहेंगे। पंजाब के CTV के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।